हफ्ते के 7 दिन। क्या आपने कभी सोचा है कि हफ्ते में आखिर 7 दिन ही क्यों होते हैं? ये 5 या फिर 10 दिन भी तो हो सकते थे, लेकिन आखिर ये 7 दिन ही क्यों हैं और इनको किसने बनाया? आइए बात करते हैं। तो ये बात है आज से तकरीबन हजारों साल पहले की, जहां लोगों के पास ना घड़ियां थी और ना ही कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिससे वो सही वक्त का अंदाज़ा लगा सकते, और ना ही उन लोगों को दिनों की तरतीब का कोई इल्म था। लेकिन इराक के करीब एक कौम बसती थी जिनको बेबलोनियंस कहा जाता था, और इनके बारे में मशहूर है कि ये माहिर फलकियात हुआ करते थे। इनको सैयारों का काफ़ी ज़्यादा इल्म था, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये इन सैयारों को अपना खुदा मानते थे। वैसे तो सैयारे बहुत से हैं जिनको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन 7 सैयारे ऐसे हैं हमारे आसमान में जिनको आज भी हम अपनी नेकेड आइज साथ देख सकते हैं, और उनको देखने के लिए किसी भी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, और इनको आज हम क्लासिकल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। इन सैयारों में मार्स, वीनस, मरकरी, मून, सन, सैटर्न और जुपिटर शामिल हैं। और इन 7 सैयारों के नाम भी बेबलोनियंस नहीं रखे थे, क्योंकि वो इन 7 सैयारों को अपने 7 खुदा मानते थे, और इस तरह उन्होंने हर खुदा के लिए एक दिन मुकर्रर कर रखा था कि आज का दिन इस खुदा के नाम है और आज के दिन सिर्फ और सिर्फ इसी खुदा की ही पूजा की जाएगी। इस तरह 7 खुदाओं के लिए 7 दिन मुकर्रर कर दिए गए जो आज भी दुनिया में चल रहे हैं। उस दौर में दिनों के नाम कुछ इस तरह से हुआ करते थे: मरकरी डे, मार्स डे, मून डे, सैटर्न डे, वेनस डे, जुपिटर डे और संडे। बेबलोनियंस का ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन मिस्र के फिर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना एक नया सिस्टम पूरी दुनिया में राज करने का ऐलान किया, जिसमें हफ्ते के 7 नहीं बल्कि 10 दिन हुआ करते थे। लेकिन पूरी दुनिया बेबलोनियंस के सिस्टम को अडॉप्ट कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने फिरौनों के सिस्टम को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया, और इस तरह आज भी पूरी दुनिया में बेबलोनियंस के 7 दिनों वाला सिस्टम चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि हफ्ते में 10 दिन होने चाहिए थे या फिर ये 7 ही ठीक हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।